अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें और मन्नत करता हूँ आपकी आप, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते अक्सर लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं आप वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें और हमारा ये ब्लॉग आज अदाकार नन्ना के बारे में है नन्ना जिसके नाम से तकरीबन सभी फ़िल्म देखने वाले टीवी देखने वाले वाकिफ़ हैं मैं हूं मोहम्मद जुबैर और आप देख रहे हैं जो तमाशा रफ़ी ख़ावर असल नाम था और फिल्मी नाम रखा नन्ना देखने में वो गोल मटोल से थे और उनको देखकर जो तस्वर उभरता था वो इसी नाम का ही तसवर तो उभरता था 4 अगस्त 1942 को पैदा हुए और उनको कोई पता नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे मतलब बचपन से उनको कोई ऐसा वैसा शौक़ नहीं था फिर जैसे ही नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा तो कुछ फिल्में देखने के बाद उनको ख्याल आया कि एक्टर बनना चाहिए जूं उन्होंने फिल्म नगरी का रुख किया उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उनको मुख्तसर सा करेक्टर मिला वतन का सिपाही 1966 में ये फिल्म बनी थी लेकिन 1976 में एक फिल्म बनी थी नौकर जिसमें मोहम्मद अली ने मरकज़ी किरदार अदा किया था इस फिल्म से नन्ना को ब्रेक थ्रू मिला और वो बड़े अदाकारों की बड़े कॉमेडियन की फहरिस्त में शामिल हो गए रफ्ता रफ्ता वो फ़िल्म साजों की ज़रूरत बनते गए क्योंकि वो अगर हंसाने का नहीं तो होंटों पे मुस्कराहट बखेरने का फ़न ज़रूर जानते थे उनकी अदाकारी ज़बरदस्ती की अदाकारी नहीं थी उनकी कॉमेडी कोई मुंह टेढ़ा करना या उल्टी सीधी हरकतें करना वो अपने जुमलों से बेसाख्ता जुमलों से हंसा देते थे बहुत खूबसूरत कॉमेडियन थे अपने चेहरे की तरह मासूम और बेजर किस्म के इंसान थे तो, तो मैंने तुझे पब्लिक में दो तीन थप्पड़ मारे थे तो तूने घर आके मुझे बीस जूते मारे थे और उन्नीस में आगे तो वो पंजाबी फिल्मों में भी हमें नज़र आते रहे और उर्दू फिल्मों में भी बहुत सारी फ़िल्में मेरे जहन में आ रही हैं अब मैं किस किस फिल्म का नाम लूँ उनको जो ज़्यादा शहरत मिली कमाल अहमद रज़वी के सीरियल अलफ नून से अलिफ़ से मुराद अला नून से मुराद नन्ना इस ड्रामे में दो कैरेक्टर होते हैं एक अच्छाई का और एक बुराई का ये कैरेक्टर थे अलन जो है वो एक शैतानी कैरेक्टर था बुराई का बुराई की अलामत था। और रन्ना एक अच्छाई की अलात था मासूमियत की कीत था अपने अपने हकीकी किरदार की तरह उसको ये करेक्टर मिला था और ये अपने ज़माने का मरूफ तरीन सीरियल था जो तीन बार रिकॉर्ड किया गया और तीन बार नशर किया गया बहुत ख़ूबसूरत सीरियल था ये अलिफ नून 1976 में नौकर के बाद उनको एक बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था दुबई चलो ये अली एजाज की भी एक बड़ी फिल्म थी अली एजाज भी कमेडियन थे कभी उन पर भी बिलोंग करेंगे अली एजाज के साथ इनको कमेडी फिल्म में काम करने का मौका मिला कुछ के बाद अली एजाज और नन्ना का एक सीरियल वाइज पेयर बन गया उनकी बहुत सारी फिल्में इकट्ठे आने लगें एक साथ आने लगें जैसे सोना चांदी आ, साला साहब वगैरह वगैरह एक सीरियल था एक सीक्वेंस था एक किस्म से आप ये कह सकते हैं स्टोरी का सीक्वेंस नहीं इनकी इ, इनके मिलकर काम करने का एक सीक्वेंस था जो मुख्तल फिल्मों में जिनकी तादाद पचास से ऊपर बनती है ज़्यादातर फिल्में नन्ना की आ, अली एजाज के साथ कामयाब ठहरी थी फिर आ, मोहब्बत के देवता ने इनके दिल में जगह बनाई और इनको एक टू ग्रेड एक्ट्रेस नाजली से प्यार हो गया अब दिल है आ सकता है नाजली के साथ ये बहुत सारी फिल्मों में आ चुके थे और इनका एक पेयर बन गया था नाजली के साथ रफ़्तार रफ्तार ये नाजली के इश्क में वाकई उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गए लेकिन नाजली चूँकि जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी वहाँ प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता वहाँ सिर्फ नोट होते हैं तो ये चीज़ नाजली के दिल में ये मोहब्बत नाजली के दिल में पैदा ना हो सकी और नन्ना एक यक मोहब्बत में अपने आप को मुबला कर बैठे नाजली के साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िल्में कि जो कि कामयाब ठहरी लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया के लोगों ने नाज़ली के साथ आ, उनको देखना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया और लोग जैसे उनके पेयर से उकता गए और नाजली के साथ उनके उनकी आने वाली फिल्में रफ्ता रफ्ता फ्लॉप होती गई इन्होंने कुछ फिल्मों में पैसा लगाया जो कि डूब गया और नन्ना नाज़ली के साथ साथ अपनी दौलत से भी अपनी जमा पूंजी से भी महरूम हो गए और यूं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए लेकिन इस डिप्रेशन में ज़्यादा हाथ नाजली का था नाजली की मोहब्बत का था उन्होंने नाजली को अपनी तरफ रागब करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि नन्ना ने अपने सर में गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली वैसे ये एक मइमा भी है जो अभी तक सुलझ नहीं सका क्योंकि आम पर, पर एक तस्वर होता है कि जो शख्स अपने सर में गोली मारता है वह पिस्टल की गोली होती है लेकिन इनके साथ जो गन पड़ी हुई थी वो बारह बोर की बंदूक थी ये मुहिमा ही रहा है ख्याल ये है कि उन्होंने खुदकुशी की थी लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया था क्योंकि बंदूक के साथ खुदकुशी करना काफ़ी मुश्किल अमर है बहरहाल ये सन था दो जून उन्नीस जब ये बेहतरीन अदाकार एक मासूम अदाकार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठा हमारा ये विलाग आपको कैसा लगा आपने राय ज़रूर दीजिए अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा वीडियो देखने का शुक्रिया